गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टूडेज सेशन, जो कि आपका एक फाइनल सेशन है, आपका 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पे हम लोगों ने 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू किया था, उस सीरीज में एक आखिरी सेशन है। तो आज हम लोग लास्ट 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी सेशंस में जो आपके 2019 के क्वेश्चंस जो आपको 2020 में पेपर में पूछा गया वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का है ये एक मॉक टेस्ट सीरीज और यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चंस को आज यहाँ पे टाइमर सहित जो है फटाफट से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में कि आप लोग को वॉइस क्लियर है। गुड इवनिंग खुशबू, गुड इवनिंग रश्मि, सो ऑल गुड, सब बढ़िया, द वॉइस इज क्लियर एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। इन दैट केस लेट अस बिगिन आवर टुडेज सेशन। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो भी आप में से जितने बच्चे भी अनअकैडमी के एसएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन होल्ड करते हैं, एक सरल सिंपल से भाषा में अभी यहाँ पे 100+ एडुकेटर्स हो गए हैं और प्लस के ये सभी एडुकेटर्स के सभी क्लासेस, भले वो जीएस के लिए हो, मैथ्स के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, एसएससी सीजीएल टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, आप कंप्लीट एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन को एक सब्सक्रिप्शन से पूरा प्लेटफॉर्म आप एसेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 12 महीने में जितने कोर्सेस थे, जितने कोर्सेस है और जितने कोर्सेस आएंगे सब मिला के आपका फी पड़ता है वैसे आपका 6000, पर इसमें जैसे ही आप कोड लगाते हैं, आप अंतरा 10 यूज कर सकते हैं, अंतरा YP यूज कर सकते हैं, अंतरा भुयान यूज कर सकते हैं, इससे आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 5400 बन जाएगा आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट एंड 6480 बन जाएगा 2 ईयर का इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। अगर आपके पास कोई लर्निंग पॉइंट्स है पहले से तो वो भी आप इसके ऊपर रिडीम करके और प्राइस को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्लास को। कोई बात नहीं, इसके अलावा आपके पास स्पेशल क्लासेस होते हैं, यूट्यूब क्लासेस होते हैं, ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो देयर, ओके, सो दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव द फ्री क्लासेस ऑन द ऐप, जैसे ही आप ऐप ओपन करते हैं बहुत सारे फ्री क्लासेस है, बहुत सारे स्पेशल क्लासेस है और यूट्यूब सेशंस भी है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट है तो यहाँ पे आप सब लोगों को सबसे पहले पोल्स में आंसर करना है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। CHSL के लिए करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स मैं लेके आऊंगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्वेश्चन में पूछा है एटमॉस्फेयर का टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर का लेयर और आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, व्हाट इज इट, द आउटर मोस्ट लेयर। रश्मि, खुशबू, विश्वकर्मा, सुजल एंड प्रवीण हैज आंसर्ड सम ऑफ योर आंसरिंग ऑप्शन नंबर 3 एज वेल। अगर लोअर मोस्ट पूछा होता, अगर लोअर मोस्ट पूछा होता तो आंसर क्या होता, ट्रोपोस्फियर, है ना। उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। सो द टॉप मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर इज एक्सोस्फियर, आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इशू करेक्ट, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लगा लोअर मोस्ट है ना, तो क्वेश्चन चेंज है क्योंकि मॉक टेस्ट है तो पुराने क्वेश्चन नहीं है, मैंने सब में चेंज किया हुआ है, सेम क्वेश्चन लग सकता है पर है नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डर्मेटोलॉजी इज द साइंस ऑफ, आपने देखा कि सभी एग्जाम्स में जो है आपको ब्रांच ऑफ स्टडी पूछा गया था, उस वक्त आपको पेडोलॉजी के बारे में पूछा था तो तब आंसर क्या था, पेडोलॉजी के केस में आंसर सॉइल था, अब आंसर क्या होगा, डर्मेटोलॉजी। खुशबू, रश्मि, प्रवीण, भावुक, सुजल, ऑल करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड। सो डर्मेटोलॉजी और डर्मा टर्म इज रिलेटेड टू स्किन, तो ये स्किन डिजीज का स्टडी होगा, जो चीजों में लिखा होता है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड मतलब टेस्टेड है। Which of the following states does not share its boundary with Nepal? अभी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर नहीं करता है, उस वक्त ऑप्शन में असम था, अभी ऑप्शन में असम नहीं है, तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक आइडिया होना चाहिए कि इधर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागा हिल्स, फिर मणिपुर, फिर
लास्ट में मिजोरम। तो ये तो ईस्टर्न साइड में इस तरफ है, तो उस तरफ तो बाउंड्री शेयर करने का सवाल ही नहीं आता। फोर, वेरी गुड, फोर इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया सिक्योर्ड फिल इन द ब्लैंक्स रैंक, मतलब कौन सा रैंक हमने सिक्योर किया है इन द 12th एडिशन ऑफ द बायनियल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अभी एनवायरमेंट न्यूज में है, थोड़ा रिकवर भी कर रहा है काफी सीनरियों में, तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, हमने कितना रैंक सिक्योर किया है। 165, 168, दोनों बराबर आंसर आ रहा है, स्किप कर रहे हैं, ओके। सो इफ यू आर नॉट श्योर तो नेगेटिव मार्क क्यों लेके आना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो इसमें सभी आंसर्स लगभग आ रहे हैं, 168 मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग, आलोक वरुण करेक्ट, सो द आंसर हियर इज 168। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 168। ये पूरे 500 क्वेश्चन का सीरीज जरूर रिवाइज कीजिएगा एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये बताना है। सारे 2020 के क्वेश्चन है, उससे पुराना कोई क्वेश्चन नहीं है, सब 2020 के डिफरेंट शिफ्ट के क्वेश्चन है, और आज के 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट है, मतलब ये बनाए गए क्वेश्चन है पिछले पे बेस्ड, तो ये इनको आज के 50 वाले बनाए हैं। वेजिटेबल तो है ही है, फ्लावर्स भी तो है ना, डेड एनिमल्स भी तो है ना, सब बायोडिग्रेडेबल है, सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनमें से सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। वॉट इज, हु इज नीति आयोग सीईओ एट प्रेजेंट, अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है, हु इज द सीईओ। इसमें गलती नहीं करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं पूछ रही हूं, कोई इसमें गलत नहीं करेगा। नाइस, सुनील कुमार, रश्मि सिंह, बिल्कुल सही आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, अमिताभ कंत। नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कंत। तो यहां पे नरेंद्र मोदी जी पे वन पे मत टिक कर दीजिएगा, है ना। इन 2019 आईआईटी मद्रास लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड स्टैंडिंग व्हीलचेयर नेम्ड एज। भारत का पहला इंडिजिनियसली मतलब मेड इन इंडिया, भारत में ही बना व्हीलचेयर जो है यहां पे बनाया गया, तो उसका नाम क्या है, स्टैंडिंग व्हीलचेयर। वैसे तो नॉर्मली व्हीलचेयर में बैठे हुए आपको दिखते हैं, ये स्टैंडिंग व्हीलचेयर है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर 4, राजू रोनो साहू करेक्ट, करेक्ट द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4, अराइज इज द नेम ऑफ द व्हील चेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड इन 1919, निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट 1919 को हुआ, मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस ये कब हुआ था, और जलियनवाला बाग ट्रेजेडी ये कब हुआ था। तो तीनों को ध्यान में रखते हुए बताना है 1919 में क्या हुआ। ऑप्टिमिस्टिक, ओके, मराथन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस बता रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 3 तो डेफिनेटली हुआ था, है ना। इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म वाज आल्सो ऑफ 1919। तो अगर आपको एग्जैक्टली ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बारे में नहीं भी पता है, है ना, देन ऑल्सो यू आर श्योर वॉट विल बी द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, बट वेन समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वॉर 1 को एंड कर रहे हैं, तो वो तो पूछा जा सकता है, ठीक है। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज अक्सिनी इन द वैदिक पीरियड। अगर अभी तक आप इसे स्किप करके हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देन यू आर डूइंग अ मिस्टेक, राइट, क्योंकि इसी साल का सवाल है। सवाल उस वक्त क्या था, उस वक्त हम लोगों ने देखा था रवि के लिए, है ना। तो अभी क्वेश्चन रिफ्रेम किया है मैंने, अस्किनी किसके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज अस्किनी इन द वैदिक पीरियड। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 चेनाब, ब्यास, सतलज, सारे के सारे आंसर्स आ रहे हैं। 4 आकाश गुप्ता करेक्ट, एनीबडी एल्स, अंकित करेक्ट, खुशबू करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1, चेनाब वाज आल्सो नोन एज अस्किनी, ठीक है। अगर ये आपको याद नहीं हुआ है तो वैदिक पीरियड के रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जरूर याद कीजिए। डिब्रू शिखाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन,
या तो प्लेलिस्ट बना के इसका रख लेना, या तो क्वेश्चंस का टॉपिक जो जो नहीं किया है उन टॉपिक्स को आप एक बार जरूर कर लेना. फॉर सीजीएल एंड सीएचएसएल बोथ एग्जामिनेशन, डिब्रू शिखाओ नेशनल पार्क हाईली इन करंट अफेयर्स एज ऑफ नाउ, सो यू मस्ट नो कि वेयर इज डिब्रू शिखावा लोकेटेड. 60, ऑप्शन नंबर यस, करेक्ट. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डिब्रू शिखावा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम. ओके, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें टाइमर रुको, ऑन नहीं किया था. सो यू हैव 1 इज द करेक्ट आंसर. हु अमोंग द फॉलोइंग इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय. उस वक्त क्या पूछा था, जोरोंगथंगमा कहाँ के चीफ मिनिस्टर है, अब क्या पूछ रहे हैं कि मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है. और आज ही इन्होंने एक, जैसे आपका होता है ना ऑर्चर्ड हाउस जैसा, जहां पे आपके ऑर्किड के स्पीसीज है, तो ऐसे एक जगह आज ही इनॉग्रेट किया है. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, रोनो साहा. एब्सोल्यूटली करेक्ट. सो 2 इज द करेक्ट आंसर. सी के सांगमा इज द करेक्ट आंसर. Which one is the S-shaped ocean? निम्नलिखित में से कौन सा एक S-shaped ocean है? कौन सा ocean का shape S-shaped है, जो सबसे busiest ocean है, जो सबसे ज्यादा busiest ocean कहलाता है? वो ocean कौन सा है जो busiest ocean कहलाता है? Atlantic, very good. भावुक, सुनील, प्रवीण, correct. So the correct answer here is option number 1, that is the Atlantic Ocean. ओके, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. आज सेशन को लास्ट तक जरूर देखना, पेशेंस बना के रखना. टोटल 50 क्वेश्चन है बनाए हुए, तो उनको जरूर कंप्लीट करना एवरीबडी, ठीक है. एंड ऑल्सो इफ यू आर इन एनी टेलीग्राम ग्रुप और इन फेसबुक और इन एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया, इफ यू आर देयर देन प्लीज शेयर द सेशन एज वेल. ओके, वर्ल्ड ओशन डे इज बींग सेलिब्रेटेड ऑन. अभी ओशंस में हम लोग बहुत कूड़ा कचरा कर रहे, तो वर्ल्ड ओशन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 जून. सभी लोगों ने आंसर दे दिया है, वेरी नाइस. द करेक्ट आंसर इज 8 ऑफ जून. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. देखिए रिवर्स में से अगर फिर भी याद नहीं हुआ तो इधर से और थोड़ा याद हो जाएगा. निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से मैच्ड है? चिनाब को और किस नाम से जाना जाता है? अक्सिनी के अलावा आप चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं. यमुना को कालिंदी नदी भी कहा जाता है. रवि को पौरुषिनी भी कहा जाता है. और इरावती इज द संस्कृत नेम ऑफ रवि. संस्कृत नेम ऑफ रवि. तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 4, दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट. रवि को वैदिक टाइम्स में पौरुषिनी, और संस्कृत नाम क्या है? इरावती संस्कृत नाम है. तो दोनों में से कोई भी दे ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ठीक है. देन यमुना कालिंदी एंड चिनाविस चंद्र भागा. नेक्स्ट पे आइए. ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड. हमने कॉपर और निकल के एलॉय को देखा था, अभी कॉपर और किसका एलॉय को आप ब्रोंज कहते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम का, आयरन का, टिन का या फिर निकल का? कॉपर और किसके एलॉय को आप कहते हैं? फर्स्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्वरूप रॉय हैज गिवन द फर्स्ट करेक्ट आंसर. टिन, कॉपर एंड टिन का जो एलॉय है उसको आप ब्रोंज कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए एज इट इज रखा है क्योंकि आपको प्लेनेटरी विंड्स के बारे में पूरा क्लाइमेट वेदर सब अगर आप समझना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आपको जरूरी है कि आप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को समझें, जहां पे क्या हो रहा है, सारे विंड्स कन्वर्ज हो रहे हैं. सो यू मस्ट नो दिस, है ना. तो इसीलिए इसको एज इट इज रखा गया है. सो ITCZ या फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसमें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी? सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? कन्वर्जेंस अनडाउटेडली, राइट. तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कन्वर्जेंस. अकॉर्डिंग टू द NIRF रैंकिंग, द टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया आर. भारत के टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं? IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT गुवाहाटी, बॉम्बे, पटना या फिर खड़गपुर? फर्स्ट करेक्ट आंसर, विच वन इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट? आई सी रोनो साहा
answering 2, Khushbu is answering 2, and some of you are answering 4. So the correct answer here is option number 2, that is Bombay. IIT Madras, IIT Delhi, and IIT Bombay are the top 3 engineering colleges. Who among the following in 1570 established his new capital Fatehpur Sikri? Sirf itna pucha hai ki Fatehpur Sikri kinhone banaya? Fatehpur Sikri kinhone banaya? फिर फतेहपुर सीकरी के लिए रास्ता बुलंद दरवाजा है ना, तो किन्होंने बनाया है? फर्स्ट करेक्ट आंसर, हु बिल्ट फतेहपुर सीकरी? रोनो साहा ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट करेक्ट आंसर, अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी बनाया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु साइंड द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम? अभी आप हिस्ट्री में अगर आपने इस टॉपिक को नहीं लिख के रखा है अलग से तो जरूर लिख के रखिए, ट्रीटीज और कौन सा ट्रीटी किसने साइन किया है ना, इस पे ट्रीटी बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आपका बन रहा है. ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम विथ निजाम ऑफ हैदराबाद, द मराठा एम्पायर एंड टीपू सुल्तान, द रूलर ऑफ मैसूर. तो किन्होंने साइन किया था, अंग्रेजों की तरफ से किन्होंने इसे साइन किया था? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. अगेन ऑप्शन नंबर 2, सुनील कुमार करेक्ट, प्रवीण, अंशुमन, ऑल करेक्ट आंसर्स. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2, कॉर्नवालिस ने. और कौन से आपको क्या याद रखना है, परमानेंट सेटलमेंट भी याद रखना है. ठीक है, मक्के उगा दिए कहाँ पे, परमानेंट सेटलमेंट जमीन का करके उसमें मक्का उगा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा? वैसे तो आपको काफी समय चेतन भगत के बुक्स पूछे जाते हैं और आपको जो याद रखना है वो है फॉर एग्जाम्पल मालगुड़ी डेज किन्होंने लिखा है इस तरीके से, और अभी आपके शशि थरूर के बुक्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा वेरी इंपॉर्टेंट, किन्होंने आपका लिखा है? गेस ऑप्शन नंबर 2, ओके. जूली, अरुण, रंजीत, मोटो, रोनो, करेक्ट आंसर्स. ये लिखा है देवदत्त पटनायक जी ने, 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा, रिटन बाय देवदत्त पटनायक. और बहुत सारे माइथोलॉजिकल थीम्स पे इनके और बहुत सारे बुक्स और भी है, तो एक आइडिया मेरे ख्याल से आपको लग गया कि माइथोलॉजिकल स्ट्रीम में लिख रहे हैं. ठीक है, उसी तरीके से ध्यान रखिएगा फॉर एग्जाम्पल शिवा ट्रिलॉजी, और ये जो ट्रिलॉजी सीरीज में लिखने वाले वह है कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा. शिवा ट्रिलॉजी और माइथोलॉजिकल स्ट्रीम्स में और बहुत सारे बुक्स लिखने हैं, सीता के ऊपर, काली के ऊपर किन्होंने लिखा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. वंशाधरा वाटर डिस्प्यूट, बहुत सारे कॉमन वाटर डिस्प्यूट सबको पता होता है, पर वंशाधरा वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में है? आकाश गुप्ता, रोनो साहा, बिल्कुल सही, अमीश त्रिपाठी, करेक्ट आंसर. यस, सी फॉर कॉर्नवालिस, सी फॉर सिविल सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. वंशाधरा वॉटर डिस्प्यूट इज बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, या फिर, अच्छा ये बिना इसके आपका आंसर आ गया, सो वन इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर. ये बाद में, टाइमर चल रहा है इसमें. वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019? अगर पूरे इंडेक्स में से एक क्वेश्चन पढ़ के जाना है तो आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 89, 128, 130 या फिर 129. सो आंसर इज फर्स्ट करेक्ट आंसर, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट स्किप. रश्मि वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 129 इज द इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019. द बिल जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट 2020 इज रिलेटेड टू, अभी न्यूज में आपका हैशटैग ब्लैक लाइफ मैटर्स ट्रेंड कर रहा है ना, क्योंकि वहां पे जो लोगों का आपका जो आपका हत्या हुआ उसके बाद दे हैव ब्रॉट अ बिल विच इज जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट 2020. ये कहां से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 1, यस वेरी गुड, इट इज रिलेटेड टू यूएस. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which state is the festival of Pongal celebrated? Do you often get confused between Pongal and Onam? तो कभी नहीं करना है, क्योंकि Pongal कहाँ celebrate होता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु या फिर केरला, कहाँ पे आप Pongal celebrate करते हैं? Where do you celebrate Pongal? You celebrate Pongal in
वेरी गुड, किसी को कोई डाउट नहीं है, वेरी नाइस। नहीं सी कहाँ पे, वैसे तो साउथ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं इस टाइम अलग अलग फेस्टिवल, बट पोंगल के लिए यू हैव टू टेक ऑन तमिलनाडु। इसमें कितने डेज होते हैं? 4 डेज होते हैं। द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ऐसे 4 डेज का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो कभी कभी हो सकता है वहां तक भी चले जाए, कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा कम है, बट एटलीस्ट रिमेंबर 4 डेज आर देयर, है ना। नेक्स्ट कम टू विच टेल्स आर रिटन बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? जाटका टेल्स आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, फोक स्टोरीज, फोक स्टोरीज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? What did विष्णु शर्मा राइट? उनके नाम मतलब ओके द फेस्टिवल्स यू कैन गो थ्रू दैट। ऑप्शन नंबर 1A, द फर्स्ट वन इज फॉर, द लास्ट वन इज फॉर ईटिंग, है ना, पंचतंत्र। यस, सो ही इज द ऑथर ऑफ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पंचतंत्र टेल्स। ठीक है, रेगुलर टाइमिंग 7 PM तक इतने दिनों तक चल रहा था। ठीक है, अभी कल से तो वी आर कंप्लीटिंग द 500 सीरीज, सो अभी हम लोग इसमें पॉज करेंगे 500 के बाद, है ना, फिर देखेंगे नेक्स्ट। द गवर्नमेंट्स रुपीज 10,200 करोड़ सेतु भारतम प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। जो सेतु भारतम प्रोजेक्ट है वो किससे एसोसिएटेड है? जैसे इम्यूनाइजेशन से प्रोजेक्ट, डिजिटलाइजेशन से प्रोजेक्ट, हाईवे डेवलपमेंट से, क्लीनलीनेस से, स्वच्छ भारत, है ना, उसी तरीके से ये बताना है सेतु भारतम। अच्छा, इसमें फिर से टाइमर बाद में शायद आएगा। हाँ, सो टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग। सभी नेशनल हाईवेज को आप रेलवे क्रॉसिंग से फ्री बनाना चाहते हैं। जितने लोग प्लस पे अवेलेबल है, आप लोग आज मॉर्निंग का क्लास देखिएगा, आज सुबह का क्लास देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विल टेक ओवर ओरिएंटल, नाउ इट इज ऑलरेडी डन, ओके, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक। ये दोनों बैंक किसके अंदर आ गई है? पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, कनारा बैंक, सिंडिकेट बैंक या फिर यूनियन बैंक। आज सुबह का क्लास ट्रांसपोर्ट था, है ना, यस। सो व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 सम ऑफ योर राइटिंग, मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग ऑप्शन नंबर 1, सो नो प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, पंजाब नेशनल बैंक। द चोला किंग्स और द चोल किंग्स गेव विच टाइटल टू पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। एपीएससी में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी में ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा बनने के प्रोसेस में जो आपका यज्ञ है वो यज्ञ नहीं है? राजसू या अश्वमेधा और वाजपेया यज्ञ है, है ना, तो कौन सा नहीं है? तो उसका आंसर था मुविंड वेलन। सो व्हाट इज द टाइटल मुविंड वेलन? इट इज गिवन टू समबडी जो कि सर्विस करता है फॉर द किंग्स एंड दे आर सर्विंग 3 किंग्स। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। दे आर दोज पर्सन्स हु रेंडर देयर सर्विस टू 3 किंग्स। ओके, एक अच्छा पोजिशन माना जाता है, जो दिल से काम करते हैं वैसा पोजिशन इसको माना जाता है। थैंक यू विजय। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैड रिनाउंस द ब्रिटिश नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियनवाला बाग मैसेकर इन 1919 में जलियनवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड किन्होंने अपना नाइटहुड टाइटल छोड़ दिया, गिव अप कर दिया? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सरोजिनी नायडू? पहले किन्होंने गिव अप किया था, पहले किन्होंने रिनाउंस कर दिया था, डिनाउंस कर दिया मेरे को नहीं चाहिए करके? फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाट इज सदी इन लीडार पूछा गया क्वेश्चन है। लीडार में व्हाट इज इट? अगेन यू डिड नॉट हैव द इसमें टाइमर, कोई बात नहीं। दिस इज योर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिडार इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट देखिए, जापानीज पीस पगोडा। अब आप क्या सोचेंगे, जापानीज पीस पगोडा जापान में तो नहीं है? नो, जापानीज पीस पगोडा, लगभग 80 पीस पगोडा है पूरे दुनिया में, और उसमें से जापानीज पीस पगोडा और युनावटूना पगोडा इज लोकेटेड इन, वेयर इज इट लोकेटेड?
श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में कि म्यांमार में? वॉट इज योर आंसर? जापानीज पीस पगोडा इज लोकेटेड इन ऑप्शन नेपाल, नो, भूटान, नो, नो करेक्ट आंसर्स येट. सो इट इज लोकेटेड इन श्रीलंका. ठीक है, जापानीज पीस पगोडा, जिसको आप यूनावटूना पगोडा भी कहते हैं, उनावटूना पगोडा, इट इज बेसिकली लोकेटेड इन उनावटूना विच इज इन श्रीलंका. ओके, तो यहाँ पे जापानीज मॉन्क्स द्वारा बनाया गया था, इसको बनाया गया था जापानीज मॉन्क्स द्वारा, इसीलिए ये नाम पड़ा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन जनवरी 2020, जितने लोग 4 लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से आप ये सोच रहे हैं कि जो क्वेश्चन पहले था, क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि सेम क्वेश्चन है, पर है नहीं, सारे क्वेश्चन चेंज है, तो इसीलिए आंसर्स भी यहाँ पे चेंज है. ठीक है, इन जनवरी, आज मॉक टेस्ट है ना, इसीलिए इन जनवरी 2020 चाइना टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन बिटवीन बीजिंग एंड, ये क्वेश्चन एज इट इज है. फर्स्ट हाई स्पीड ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक उसने टेस्टिंग इसका किया. ओके, एटलीस्ट लाशा तो नहीं होगा, इसको तो निकाल ही सकते हो आप आंसर्स में से. सो द आंसर हियर इज वी एस फिटनेस सेंटर. एनीबडी एल्स? रवीन करेक्ट, अरुण साहिल करेक्ट. बिटवीन जांगजिया कौ एंड बीजिंग, फर्स्ट ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन. ठीक है, सो वन इज द करेक्ट आंसर. हु इज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स? किस लिए जरूरी है? क्योंकि एक तो न्यूली अपॉइंटेड और दूसरा इसके बाद काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, तो यहां से पूछा जा सकता है क्यों क्यों इसी को रखा, न्यूली अपॉइंटेड प्लस मेनी चेंजेस, दैट इज वाई. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, मनोज विश्वाल राजीव कुमार. बिल्कुल सही आंसर इज आर के चतुर्वेदी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप, रावी क्रॉप एंड खरीफ, रावी एंड जायद आर द थ्री सीजन्स. खरीफ को याद रखिए गर्मी से रिलेटेड, तो आप गर्मियों में क्या खाते हैं, दैट इज द ट्रिक. बताइए गर्मियों में, ये वैसे तो सबको ये सब कुछ खा सकता है, कोई इसमें बायसनेस नहीं है, पर गर्मियों में कुछ लोग, सर्दियों में चावल खाना पसंद नहीं करते कुछ लोग, है ना. तो आंसर बाय डिफॉल्ट गर्मियों में क्या है, राइस तो खा ही सकते हैं, है ना, राइस तो खा सकते गर्मियों में. सो विच ऑफ दिस इज अ खरीफ क्रॉप? ऑप्शन नंबर ए, पैडी इज अ खरीफ क्रॉप, मतलब राइस इज अ खरीफ क्रॉप. ओके, वीट एक राबी क्रॉप है, वीट एक राबी क्रॉप है, ओट्स भी एक राबी क्रॉप है और बाली भी एक राबी क्रॉप है, ये तीनों राबी क्रॉप्स है ना, रबी एंड खरीफ इज पैडी. तो जो ट्रिक है वो सीजन वाइज नहीं है, ये ट्रिक नॉर्मली लोग कहते हैं कि सर्दी लग जाएगा चावल से, है ना, गरीब. अच्छा, सो आई डोंट नो हाउ दैट रिलेशन अप्लाइज, पर ठीक है, जैसे भी है चलेगा. नेक्स्ट देखिए, बेसिकली गर्मियों से वो रिलेटेड है ना. नेक्स्ट, खंडामल हल्दी, खंडामल हल्दी अ वेराइटी ऑफ टर्मरिक इंडिजीनियस टू विच प्लेस अर्नड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया इन अप्रैल 2019. तो GI टैग कहां से अर्न करते हैं, कहां से मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया से, एक ये चीज पता लग गया. और दूसरा, खंडमल हल्दी क्या है, टर्मरिक का वेराइटी, कहां का इंडिजिनियस है, नागालैंड, उड़ीसा, असम या मेघालय. फ्रॉम उड़ीसा. ओके, वेरी नाइस. सो द आंसर हियर इज इट इज डेफिनेटली फ्रॉम उड़ीसा. ओके, और कहते हैं सेलम इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर हल्दी. ठीक है, सेलम टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी दिखाते हैं ना, सेलम का हल्दी ऐसा. हाइड्रोफोबिया इज द फियर ऑफ, हमने देखा था हेमोफीलिया, हेमोफोबिया. अभी क्या पूछा है, हाइड्रोफोबिया. सो व्हाट इज योर आंसर? रेबिस का एक सिम्टम है. ऑप्शन नंबर वन, ब्लड के लिए तो हेमोफोबिया था, अभी हाइड्रोफोबिया है, तो हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, अभी अनडाउटेडली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है, रेप्टाइल्स हैव अ, देखिए क्वेश्चन में क्या था, जो हम लोगों ने
2020 के 500 सीरीज में क्वेश्चन किया था, उसमें क्रोकोडाइल था। तो हमने देखा था कि क्रोकोडाइल के पास जो है वो फोर चैम्बर्ड हार्ट है। क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल, तो रेप्टाइल के पास कितना चैम्बर हार्ट है। सो वाई क्रोकोडाइल वॉज आस्ड, बिकॉज दैट वॉज एन एक्सेप्शन, इसीलिए वो पूछा गया था। नहीं तो बाकी सभी रेप्टाइल्स के पास फोर चैम्बर्ड नहीं है, कितने चैम्बर्ड है। डार्कनेस का क्या, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो वो आपके लिए इजी पड़ जाएगा, उसका ऑप्शंस में से भी आप उसको ढूंढ के निकाल सकते हो, है ना। सो डोंट वरी, रेप्टाइल्स हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट, तो उनके पास तीन चैम्बर का हार्ट होता है। लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, भले ही वो रेप्टाइल है फिर भी उसके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस एज डिस्क्राइब बाय द चोला इंस्क्रिप्शंस। काफी बार आप लोगों ने ब्रह्मदया मतलब ब्राह्मण को दान में देने वाला लैंड सुना होगा, लेकिन जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए पता है, पता है तो बताइए। क्लास कितने टाइम है, इतना शॉर्टकट्स। एट सेवन वी स्टार्टेड, एट सेवन। सो द आंसर हियर इज पल्लिचंडम। अब देखिए प्रीवियस ईयर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच था, तब आंसर ये था। तो अगर उसको करने, ये 2020 का क्वेश्चन है, मतलब अभी भी 2020 का क्वेश्चन पूरा सेट नहीं हुआ है, मतलब आपको एक बार फिर से पूरा प्लेलिस्ट जो है इसको रिविजन करना है, ठीक है। उसमें था विच इज करेक्टली मैच, तो उसका आंसर क्या था, पल्लिचंडम इज द लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। ओके सो वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, शॉर्टकट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव गैस विथ एटॉमिक नंबर 86। तब क्या था, इनर्ट गैस पूछा गया था और उसमें द क्वेश्चन वॉज डिफरेंट, द आंसर वॉज डिफरेंट। अब पूछा है इनमें से कौन सा एक रेडियो एक्टिव गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 86 है। ऑप्शन वही है पर क्वेश्चन चेंज हो गया, तब आंसर था, अब क्या होगा आंसर। हैप्पी टू सी यू अगेन, इवन आई एम हैप्पी टू सी यू गाइस अगेन, वेरी गुड। सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4, रेडॉन। तब क्या पूछा गया था, बल्ब के अंदर का गैस के बारे में पूछा गया था, तब आपने आर्गन टिक किया था, ठीक है। और अभी क्या है, अभी क्वेश्चन ही चेंज हो गया, रेडियो एक्टिव गैस प्रॉपर्टी किसमें है, 86 एटॉमिक नंबर के साथ, तो रेडॉन। नेक्स्ट देखिए, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, स्पाइडर्स, माइट्स, इंसेक्ट्स, ऑल दीज बिलोंग टू विच फाइलम इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में तब आपने मॉल्यूस के बारे में देखा था, ये सभी बायोलॉजी का एक छोटा सा कोर्स है, सिर्फ 8 क्लासेस का। अगर आप लोग प्लस पे ऑलरेडी है तो बायो का उस कोर्स को आप अभी भी देख सकते हैं। देयर इज अ स्मॉल लिटिल कैप्सूल कोर्स ऑफ 8 सेशंस जो आपका पूरा ये कवर कर देगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था, जिसमें सब इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वो फाइलम कौन सा है। सो अनडाउटेडली ये सारे इंसेक्ट्स जो है वो किस में आएंगे, वो ऑप्शन नंबर 1 में आएंगे, दैट इज आर्थ्रोपोडा, है ना। जब मैंने बोल दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, तब क्वेश्चन कुछ और था, अब क्वेश्चन कुछ और है। सो 1 इज द करेक्ट आंसर, आर्थ्रोपोडा में ये सब आएंगे, सारे इंसेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फिल इन द ब्लैंक्स इनिशिएटिव ऑन 16th of July 2016 with the objective of supporting entrepreneurs, building a robust startup ecosystem and transforming India into a country of job creators instead of job seekers. ये 2016 का question 2020 में क्यों पूछा, इसके पीछे reason ये है क्योंकि ये जो scheme है ना, इसे आज भी government कोशिश कर रही है कि इस scheme से और लोग जो है वो जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर स्किल्स को डेवलप करे और जॉब क्रिएटर्स बने, ना कि जॉब सीकर्स। दैट इज वाई इट इज स्टिल इन न्यूज, और 16 का क्वेश्चन था जब 2020 को पूछा है। इट इज अनडाउटेडली योर स्टार्टअप इंडिया। ओके, 4, स्टार्टअप इंडिया एंड वॉट यू हैव टू डू इज बी द जॉब क्रिएटर्स। नेक्स्ट सी, ल्यूसी जॉय ब्राउन,
जॉय ब्राउन बॉर्न इन 1978 इज फेमस फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी. आई थिंक दिस वॉज प्रवीण क्वेश्चन, यू रिमेंबर दिस. सो दिस वॉज द क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग द फर्स्ट मैमल एवर डॉली शिप जो था, परफॉर्मिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट जो क्वेश्चन ऑरिजिनली था, एंड फर्स्ट लॉगरिथम. सो वॉट इज योर आंसर? इट इज फॉर नो आइडिया. ओके, सो वॉट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर थ्री. नहीं, वो तो उस वक्त का क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन तो चेंज हो गया, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा. आकाश गुप्ता, येस करेक्ट. ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट हियर. दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी. मैमल क्लोनिंग फर्स्ट, द शिप डॉली, शिप जिसका नाम था डॉली. ये प्रीवियस ईयर, अभी जो सेशन है 500 क्वेश्चंस का, उसको देखिएगा, उसमें ऑलरेडी है क्वेश्चन में. आज मॉक टेस्ट में जॉय ब्राउन है. जॉय ब्राउन इज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न इन 1978. बेसिकली टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, बट इसमें ऑप्शन में इन विट्रो भी हो सकता है. दिस इज इन विट्रो. ओके, नेक्स्ट. सी विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय रुडयार्ड किपलिंग. साथ ही साथ आप लोग बता सकते हैं कि मालगुड़ी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, एंड द गाइड, इनके ऑथर कौन है, ये भी बोल सकते हैं. समझ में नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट सक्सेस वे, देखिए ये 500 क्वेश्चंस का सीरीज है, ठीक है. और अगर आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टीसीएस के नए पैटर्न से जितने क्वेश्चंस 2020 को पूछे गए हैं वो हमने इसमें कवर किया है. आप इस पूरे सीक्वेंस को देखिए, फिर आप इस मॉक टेस्ट को खुद से प्रैक्टिस कीजिए बन रहा है कि नहीं. अगर ये 500 के आसपास आप है तो प्रिपरेशन सही दिशा में जा रहा है, और अगर नहीं, ये नहीं बन रहे, मतलब प्रिपरेशन को आपको फिर नया डायरेक्शन देना पड़ेगा. सो व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन नंबर टू, द रेस्ट. सुभाषीष दत्ता, वेरी गुड. द रेस्ट आर रिटन बाय आर के नारायणन. तो आर के नारायणन के बुक्स, वो एवरग्रीन स्टैटिक वाला पार्ट होता है ना, वो वाला पार्ट है, ठीक है. एंड द जंगल बुक, दिस वॉज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. फेमस मूवी भी बना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द होस्ट कंट्री फॉर द 2020 कॉमनवेल्थ गेम इज. दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे किसी भी जगह में जब ऐसे चेंजेस होते हैं ना, तब उसके पूछने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. मतलब मान लीजिए पहले कोई स्पोर्ट्स आपका साउथ अफ्रीका में होने वाला था, बाद में वो इंग्लैंड में हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है. जैसे अभी साइंस ओलंपियड जब बार बार चेंज हो रहा था उसका डेस्टिनेशन, तो सिमिलरली दिस इज वन सच क्वेश्चन. सो व्हाट इज योर आंसर? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर थ्री. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इंग्लैंड में बिर्मिंघम इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, बिर्मिंघम, बकिंगहम, बिर्गिंगहम, ये यहां से भी आप याद रख सकते हैं कि आंसर क्या होगा. इंग्लैंड, पहले दुर्बन साउथ अफ्रीका में होने वाला था, फिर इसको चेंज किया और ये आंसर थ्री बन गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीच इन तमिलनाडु. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बीच, मतलब लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जिसका है, लॉन्गेस्ट कोस्ट वाला बीच है या फिर लॉन्गेस्ट बीच है. क्योंकि अगर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हुआ तब तो आंसर क्या हो जाएगा, तब तो आंसर गुजरात हो जाएगा, ठीक. बताइए. वेरी गुड, ऑल करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे मरियाना ट्रेंच के साथ मत कंफ्यूज कर देना, क्योंकि मरियाना ट्रेंच वो पैसिफिक ओशन वाला है. इधर मरीना बीच, ये मरीना बीच कहाँ पे है, दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु में, चेन्नई में है ये बीच, ठीक है. दिस इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट बीच. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री. नेक्स्ट देखिए. द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स वेयर हेल्ड इन ग्रीस एथेंस, कब हुआ था? मॉडर्न ओलंपिक्स पूछा है, ठीक है. नहीं तो वैसे तो आपका बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से ही होता आ रहा है, बट मॉडर्न ओलंपिक्स फर्स्ट कब हुआ था? डीपेस्ट पॉइंट के केस में मरियाना, यस. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, नो. एनीबडी एल्स?
प्रवीण करेक्ट, सुभाशीष, आशीष, रश्मि, गुड्डी, प्रदीप, फंडा क्लियर, हिमांशु, कौशल, जूली करेक्ट. सो द आंसर हियर इज इन द ईयर 1896. ओके. बार इज द यूनिट ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट. फिजिक्स का सबसे ऊपर का सबसे पहला क्लास में से बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का, पावर का, फोर्स का, एनर्जी का. टॉर के लिए भी आपको पूछा था तो इसीलिए बार के लिए रखा है. द आंसर हियर इज अनडाउटेडली फर्स्ट करेक्ट आंसर हिमांशु पुरी करेक्ट. इट इज फॉर ऑप्शन नंबर वन, दैट इज प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द स्पाइस इज कॉमनली नोन एज रेड गोल्ड. अच्छा, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. रेड गोल्ड कौन से स्पाइस को आप बोलते हैं? दिस इज सोल्ड एट सच अ हाई प्राइस दैट द गुड क्वालिटी वन, स्पेशली इंडिया के बाहर, जहां इंग्लैंड में अगर ये बिका तो वहां पे सिनेमन, कार्डमम, इलायची, सेफ्रन, केसर या फिर सैंडलवुड, विच वन इज नोन एज रेड गोल्ड? द आंसर हियर इज कौशल सिंह, स्वरूप दास, सुमिंक्या करेक्ट, महेश करेक्ट. द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज सेफ्रन. सेफ्रन इज ऑल्सो नोन एज रेड गोल्ड. इनफैक्ट ऑलमोस्ट ये गोल्ड के, अगर आप एक स्ट्रैंड ऑफ, फ्यू स्ट्रैंड ऑफ केसर के हिसाब से अगर आप देखोगे, सो दिस इज ऑलमोस्ट नियर टू द प्राइसेस, है ना. मिक्स एंड मैच हो सकता एटलीस्ट पहले तो था, अभी तो गोल्ड प्राइसेस काफी इंक्रीज हो गया है. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज सेफ्रन. ओके. सिनेमन क्या है? दालचीनी है. कार्डमम क्या है? इलायची. ठीक है. सैंडलवुड डेक्कन रीजन में. हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. जब भी हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं तो इधर हम लोग लिख लेते हैं प्रेसिडेंट साहब, इधर लिखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर लिखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, फिर लिखते हैं अटॉर्नी जनरल. सिमिलरली इधर लिख लेते हैं गवर्नर, नो वाइस गवर्नर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, एंड यहाँ पे लिखते हैं एडवोकेट जनरल, है ना. और एक आइडिया मैंने आपको क्या बताया था, काफी टाइम यहाँ वाले लोग ये भाई साहब अपॉइंट करेंगे और यहाँ वाले ये, काफी टाइम, हमेशा नहीं. जैसे हाईकोर्ट के जजेस ले लीजिए, गवर्नर तो नहीं ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो वो भी एक्सेप्शन आ देर, है ना. अदरवाइज वेरी गुड, अदरवाइज ये आपका जो इधर एडवोकेट जनरल है, ही विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर. तो वो यहाँ काम करता है क्या? बिल्कुल, बिकॉज द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट देखिए. आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ व्हाट. द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस 500 सीरीज, जिसमें 450 क्वेश्चंस 2020 से एसएससी सीजीएल 2019 के थे और 50 मॉक थे. सारे क्वेश्चन शिफ्ट वाइज मैंने आप लोगों को करवाया था. उसका फाइनल क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट टू लाइफ. व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन नंबर फोर, वेरी गुड. अगस्ती, मनोज, देवदत्त कुमार और करेक्ट आंसर्स ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी, जिसमें बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए होते हैं, साफ पीने का पानी से लेके शेल्टर से लेके, अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव उसमें इंट्रिंसिक है. और भी चीजें हैं बट इन सिंपल, राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव फॉर टूडेज सेशन. आई होप आपने सारे 500 क्वेश्चंस को रिविजन किया है. अगर नहीं किया है देन प्लीज डू दिस. और अगर नहीं हो पा रहा ये पूरा रिविजन, तो फिर यू कैन डू वन थिंग, एटलीस्ट वो टॉपिक्स जो आपने कवर नहीं किए, जो आपको नए लग रहे हैं, उनको जरूर कवर कीजिए, क्योंकि ये मैं बार बार कह रही हूँ इसी साल के सवाल है, है ना. तो आप इसको नहीं छोड़ सकते. और अनएकेडमी में सभी कोर्सेस, सभी एडुकेटर्स के सभी कोर्सेस, सारे बैच, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरा प्लेटफॉर्म एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन टेक द एसएससी सब्सक्रिप्शन. जो कोड है अंतरा वाईपी, वैसे तो आप इसको बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए भी यूज कर सकते हो, यूपीएससी के लिए भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज द वर्ड अंतरा 10, अंतरा भुयान, अंतरा वाईपी. आप किसी भी कोड को यूज करोगे, किसी भी एडुकेटर के किसी भी कोड को यूज करते हो, जो एग्जाम के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, वो पूरा प्लेटफॉर्म एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, एंटायर प्लेटफॉर्म, ऑल एडुकेटर्स.
और लगभग हर महीने सारे एडुकेटर्स नए कोर्सेस लाते हैं, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस ऑसम जर्नी ऑफ 500 क्वेश्चंस. अगर आपको ये क्लासेस पसंद आए तो आप प्लेलिस्ट बना के अपने पास भी रख सकते हैं, और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और इसको अपने पास ज़रूर रखना, रिविजन ज़रूर करना. ओके, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग, बिकॉज बाय शेयरिंग यू विल बी हेल्पिंग एवरीबडी टू रियलाइज द एक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशंस. ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड.